हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब लोग। एक नया ब्लॉग शुरू हो चुका है देहरादून रूम से, और अभी जो है सुबह उठ के बिल्कुल तैयार हो चुके। तो अभी हम कहीं जा रहे हैं, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। अभी वो चीज़ आपको नहीं बताई, थोड़ी देर बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा वो इम्पोर्टेंट काम क्या है। और सबसे पहले मैं और आशुतोष जो है तैयार हो चुके। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो चले भाई, चलो चलते हैं ना, देर हो रही है हमको बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा व्लॉग ना बनाते हुए आपको आगे पता चल जाएगा, बने रहिए व्लॉग में। और तो दरअसल हमने जो नया ड्रोन लिया है उसको उड़ाने के लिए हम लोग किमाड़ी विलेज के पास आए हैं, क्योंकि देहरादून में ना किमाड़ी विलेज बहुत ज़्यादा फेमस है और हमने भी इसके बारे में सुना था। तो मैं यहाँ पे कभी नहीं आया था, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। और अभी हमने ड्रोन सेटअप किया है, तो यहाँ से सामने की साइड उड़ाएंगे और देखेंगे यहाँ के व्यू कैसे हैं। और हमारी चाय आ गई है, हमने चाय ऑर्डर करी थी। हाँ, इधर ले आओ। तो अभी हम लोग जो है मसूरी से थोड़ा नीचे एक जगह पे रुके हैं, और यहाँ से हाथी पांव ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। और यहाँ पे सामने एक मंदिर है जो है नाग देवता का मंदिर, और उसी के सिनेमैटिक शॉट लेने के लिए हमने जो है ड्रोन को उड़ाया है, और देखेंगे कि कैसा दिख रहा है। तो मसूरी जाते हुए हमें एक खूबसूरत लोकेशन मिली, यहाँ पे एक पुल है और चारों तरफ एक झरना है, जंगल है, तो इसके भी कुछ शॉट ले लेंगे और देखते हैं कैसे शॉट आते हैं। कंपनी गार्डन उधर है यार मसूरी। तो अभी हम जो है एक लोकेशन पे पहुंचे हैं, यहाँ से मसूरी 7 किलोमीटर है, जोर एवरेज 6 किलोमीटर है, सुरकंडा देवी 42 है और धनौल्टी 35 किलोमीटर है। ₹200। वेलकम टू द क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ों की रानी मसूरी में आपका स्वागत है। और मसूरी में लगा है बड़ा भयंकर वाला जाम, क्योंकि न्यू ईयर और 31st मनाने के लिए बहुत सारे लोग मसूरी की हसीन वादियों में आ रखे हैं। देखो जाम ही जाम, जाम ही जाम। जो है मसूरी घूमने आए थे, और हमने सोचा था कि मसूरी से थोड़ा आगे जाके कोई फॉरेस्ट वाली जगह पे जाके मसूरी के कुछ अच्छे से मतलब व्यू लेंगे ड्रोन उड़ा के। और एक ऐसे बंदे का भरोसा किया, इसने बोला कि मुझे बहुत अच्छी लोकेशन पता है, और ये ऐसी जगह ले आया है। भाई 20 किलोमीटर है, तूने 4 बोल दिया। 4 भाई, वो तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। नीचे देखना भाई कितना प्यारा व्यू है। थोड़ा यार खाने की चीज दो भाई। भाई अब तो भूख लगनी स्टार्ट हो गई। और ये हमारे गांव में इसको बोलते हैं किरमोड़। देखो कुछ नहीं है, अगर आप पहाड़ गए हो तो मसूरी मत आना, ऐसा ही है जैसे हमारे गांव में। सेम टू सेम भाई, अगर लोंडो के साथ जाना है तो ट्रिप ऐसे ही होता है, पता तो रहता नहीं कहाँ जाना है। अरे लेके आ गया कहाँ। तो मसूरी आते आते हम लोगों को भूख लग गई थी, और हम लोग खाने के लिए लाए थे मसाला वड़ा। कैसा हो रहा है? हाँ हाँ, गजब गजब हो रहा है। कैसा हो रहा है भाई? एकदम मस्त मस्त हो रहा है ना। खाओ
और वापस चलो। तो मसूरी रोड पे हम ऐसी जगह पे रुके हैं जहाँ पे जो है भुट्टे मिल रहे हैं। हम मसूरी रोड पे जाते हुए भुट्टे खाने के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि अगर आप ठंडे जगह पे आए और आपने भुट्टे नहीं खाए तो क्या मज़ा है। और यहाँ पे अक्षय को भाई सबसे पहले, ओ भाई हमारा भुट्टा कहाँ है रे भाई? चार बनाने, ठीक है तो फाइनली जो है मेरा वाला भुट्टा भी आ गया और खा के टेस्ट करते हैं कैसा लग रहा है। अच्छा है लेकिन गांव वाला टेस्ट नहीं है।